So hello everyone, welcome to CA Sonali Gulati channel. Today we are going to talk about lease and what are the five conditions jo hume help karte hain to determine whether a lease is a finance lease or operating lease. सबसे पहले लीज क्या होता है. लीज इज अ कॉन्ट्रैक्ट दैट गिव्स राइट टू यूज ऑफ एन एसेट फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम इन एक्सचेंज ऑफ द कंसिडरेशन. राइट, अब दो तरीके की लीज होती है, फाइनेंस लीज और ऑपरेटिंग लीज. टू डिटरमाइन कि एक लीज फाइनेंस लीज है, हमारे पास फाइव कंडीशंस है. इफ एनी वन ऑफ द फाइव कंडीशंस सेटिस्फाइड देन इट विल बी कंसिडर्ड एज फाइनेंस लीज, अदरवाइज ऑपरेटिंग लीज. तो फाइव कंडीशंस क्या है. पहली कंडीशन, अगर ओनरशिप विल बी ट्रांसफर्ड एट द एंड ऑफ द लीज टर्म. दूसरी कंडीशन कि लेसी हैज द ऑप्शन टू परचेज द एसेट एट अ प्राइस विच इज एक्सपेक्टेड टू बी लोअर देन द फेयर वैल्यू ऑफ द लीज. थर्ड कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज लाइबिलिटी इज ऑलमोस्ट इक्वल टू द फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट विच इज ऑलमोस्ट मीन्स मोर देन 90%. फोर्थ, लीज टर्म कवर्स अ सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट. Substantial period here means more than 50% at least. Fifth, asset is of specialized nature and can be used by lessee only without major modification. तो इनमें से अगर कोई भी एक condition satisfy होती है तो ये finance lease है, otherwise it will be considered as operating lease. अगर ये finance lease होती है तो we have to recognize the lease through balance sheet only, जहाँ पे हम ROU to lease liability करते हैं entry. अगर ये ऑपरेटिंग लीज है तो हमें बेसिकली रिकॉग्नाइज करना पड़ता है थ्रू अपना पीएनएल अकाउंट, जहां पे हम एज रेंटल इनकम या फिर एज रेंटल एक्सपेंसेस को शो करेंगे. थैंक यू.